ओम शांति। कल वाणी चल रही थी 9566 की पहले पेज के मध्य में, बात चल रही थी जब तुम बच्चे तमो प्रधान जास्ती बने तो दुख बहुत होता है, और जितना जितना तमो प्रधान बनते जावेंगे उतना दुख रूपी दुनिया बढ़ती जाएगी। मनुष्य हिरास में आए बहुत त्राहि त्राहि करेंगे, ये बात अगले कल्प के लिए बताई है या इसी कल्प के लिए बताइए? बहुत त्राहे त्राहे करेंगे हेरासमेंट में आकर के, फिर अंत में जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है तो फिर प्रैक्टिकल में जरूर देखना है। मैंने यज्ञ के आदि में साक्षात्कार और स्वप्न में विनाश की लीला देखी थी, और अंत में प्रैक्टिकल में वो विनाश देखेंगे। माना झूठी चीज का साक्षात्कार नहीं होता, जो भी साक्षात्कार होते हैं वो सच्चे होते हैं। स्थापना की तारीख का साक्षात्कार तो हो नहीं सकता, वो तो चलती रहती है। स्थापना का साक्षात्कार बहुत बच्चों ने किया है, छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी। ज्ञान तो कुछ भी नहीं था, पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। तुम बच्चे जानते हो बाप ही आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, ऐसे नहीं आते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर तुम बच्चे स्वर्ग अपने आप स्थापन करते रहते हो, या ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने आप स्थापन करते रहते हैं। नहीं, मैं आकर के स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, परंतु फिर बच्चों को पुरुषार्थ भी करना है। ऐसे नहीं कि बाप आकर के वर्षा देते हैं तो पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं है, उच्च पद पाने का पुरुषार्थ जरूर करना है। तुम जानते हो 8-10 वर्ष में ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। कौन से सन की वाणी है? 66 की वाणी। और उस समय बाबा शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से ये वाक्य उच्चारण किया कि 8-10 वर्ष में ये दुनिया मिट्टी में मिल जाएगी। तो मिट्टी में मिल गई क्या है? ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। कौन सब मिट्टी में मिल जाएंगे? कौन मिल गए मिट्टी में? संक्षेपतर की बात है, बताई कोई मिले मिट्टी में क्या? कौन है? एक आत्मा मिट्टी में मिल गई है? अरे यहाँ तो मिट्टी में मिलने की बात है, यह सब मिट्टी में, एक आत्मा की बात नहीं, यह सब मिट्टी में मिल जाएंगे हैं? नहीं, ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया की बात बताई। ये ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया जिसमें इतना देह अभिमान बढ़ा हुआ है कि ब्रह्मा बाबा जैसी सहनशील आत्मा को नहीं परख सके, उनकी सच्चाई को नहीं जान सके, और उनका भी हार्ट फेल कर दिया और किसी ने उंगली भी नहीं उठाई।
तो बाबा कहते हैं ये सब देह अभिमानी सांढे हो गए हैं। देह को मिट्टी कहा जाता है। ये 8-10 साल रह गए हैं, इस 8-10 साल में ये सब देह अभिमानी की मिट्टी में मिल जाएंगे। कोई भी पक्का देह अभिमानी नहीं रहेगा, देही अभिमानी नहीं बचेगा। 8-10 वर्ष में ये देह अभिमानियों की दुनिया खलास होने वाली है। इसलिए मुसलमान कहते हैं कि जब विनाश होता है तब तक सारी दुनिया कब्र दाखिल होती रहती है। माना जो भी आत्माएं शरीर छोड़ती है उनका कहना है कब्र दाखिल हो जाते हैं, माने मिट्टी में मिल जाते हैं। अब वो बात नहीं है, मिट्टी में कोई आत्मा नहीं मिलती है, लेकिन जो आत्माएं देह अभिमानी हो जाती है उनको कहा जाता है देह अभिमान की मिट्टी में दब गए। तो ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया के लिए बताया कि ब्रह्मा के द्वारा जिन ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया को उस समय ज्ञान मिल रहा था वो सतयुग की शूटिंग में तामसी स्टेज पाने के कारण, चौथी अवस्था में पहुंचने के कारण सन 76 में सारे के सारे देह अभिमान की मिट्टी में आ गए। अभी भीड़ पड़ी है, कर्जदारों की कर्जा बहुत भारी है, डरते भी हैं, समझते हैं कितना हमने पैसा दिया है। सारा पैसा लड़ाई में ही खर्च कर दिया। फिर ये हमको मिलेगा कब? ऐसे ऐसे ख्यालात वो लोग करते रहते। तुम बच्चों को बाप बैठिए सब बातें समझाते हैं क्या कि अभी न कर्जा लेना है और न कर्जा देना है। कर्ज मर्ज कहा जाता है। वो थोड़े जानते हैं कि अभी बाकी थोड़ा समय है, कर्ज देने लेने की बात ही नहीं। बाप तो कहते हैं मैं तो दाता हूं, मैं किसी का लेकर के नहीं जाता हूं, मेरे अर्थ अर्थात ईश्वर के अर्थ जो भी देंगे मैं तुमको यहां का यहां भी वापस कर दूंगा और 21 जन्मों के लिए इंटरेस्ट भी दे दूंगा। बाप कोई से लेकर के रखते नहीं है, मैं तो तुमको देने आया हूं। बाकी मनुष्य आपस में जो लेन देन करते हैं वो तो सब मिट्टी में मिल जाना है। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ, आओ क्यों कहते हैं? जरूर आकर के पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आवे और चले जावे फिर तुम अपने आप पुरुषार्थ करके पति से पावन बनते रहते हो। नहीं, मुझे आना पड़ता है, आकर के हमको पावन बनाओ कहते हैं ना। माना ऐसे नहीं है कि चले जाते हैं तो जाकर के पावन बन जाते हैं। बाप का चला जाना बना खेल खलास, सारी दुनिया पावन बन जाती है। एक भी मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर पतित रूप में नहीं रह सकती। बाप सबको आकर के पावन बनाते, लेकिन आकर के पावन बनाते हैं, ऐसे नहीं कि मेरी अनुपस्थिति में तुम पावन बन जाते। बाप कहते हैं तुम बच्चे कितने बेसमझ बन पड़े हो, क्या
देह अभिमानी की मिट्टी में मिल जाएंगे का मतलब क्या हुआ? बेसमझ हुए या समझदार हुए? बेसमझ हुए। सारी ब्राह्मणों की दुनिया ने ये समझ लिया कि ब्रह्मा के तन में बाप आया और चला गया। अब हम अपना पुरुषार्थ जितना इतना करते रहेंगे उतने हम पावन बनते रहेंगे। बाप कहते हैं तुम सब कितने बेसमझ बन गए, पहले तुम कितने समझदार थे। जब समझदार थे, सतो प्रधान थे, तो सात्विक पुरुषार्थ करते थे। अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हो, तुम्हारी बुद्धि में भी अब आया है। आगे थोड़े ही समझते थे कि हम विश्व पर राज्य करते थे। तुम विश्व के मालिक थे। ये 66 में ब्रह्मा के तन में आकर ये बात किससे बोल रहे हैं? तुम विश्व के मालिक थे, ये बात किससे बोली गई है? सामने जो बैठे थे उनसे, एक तरफ उनसे बोल रहे हैं तुम मिट्टी में मिल जाएंगे और सारी दुनिया मिट्टी में मिल जाएगी 8-10 वर्ष में। तो जो सामने बैठे वो मिट्टी में नहीं मिले। 66 में जो भी बाबा के सामने बैठे हुए थे वो सारी ब्राह्मणों की दुनिया मिट्टी में नहीं मिल गई। अब मिट्टी में मिल गई तो विश्व के मालिक तुम बन जाएंगे, ये कैसे कहा? माना बाबा कोई बच्चों को इमर्ज करके बोलते हैं। जिन बच्चों को इमर्ज करके बोला वो बच्चे बाबा की तीसरे नेत्र की दृष्टि के सामने हैं और उनको कहा कि तुम विश्व के मालिक बनेंगे। विश्व के मालिक थे और फिर जरूर बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी क्या? यज्ञ के आदि में भी तुम विश्व के मालिक थे। जो भी ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई उसमें तुम मालिक थे और अंत में जो 8-10 वर्ष पूरे होने वाले हैं उसमें जो नई विश्व की सृष्टि रची जाएगी उसमें भी तुम मालिक बनेंगे। बाप ने समझाया है। 5000 वर्ष पहले मैं आया था। ऐसे क्यों कहते बाप ने समझाया? माँ ने समझाया, ऐसे क्यों नहीं कहते? माँ के समझाने की बात नहीं है। बाप माना सुप्रीम सोल बाप जो राम बाप की आत्मा में आया था, उसने यज्ञ के आदि में भी समझाया था कि 5000 वर्ष पहले मैं आया था। अभी भी मैं समझा रहा हूँ। 8-10 वर्ष पड़े हुए हैं, ये दुनिया खलास होने वाली है, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। माना ये शूटिंग पीरियड में जो सतयुगी सतो प्रधान शूटिंग से लेकर के तमो प्रधान शूटिंग 76 तक होने वाली है वो 5000 वर्ष की जैसे आवृत्ति होने वाली है। जो नई विश्व बननी है उसमें तुम मालिक बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी इस तरह रिपीट होती रहती है। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। तुम उतरते हो और धर्म में जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं उनको तो 84 जन्म मिलते ही नहीं। ये विस्तार और कोई भी शास्त्रों में नहीं है। शिव बाबा ने कोई शास्त्र आदि पढ़ा है क्या? नहीं। उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता है। जो स्वयं ही ज्ञान की अथॉरिटी है उसको मनुष्य गुरुओं की लिखी हुई किताबें पढ़ने की क्या दरकार है?
वो लोग भी शास्त्र आदि पढ़ करके शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं। कौन लोग? वो गुरु लोग। कौन से गुरु लोग? बाहर की दुनिया के नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो गुरु लोग हैं वो शास्त्र अर्थात कागज के पत्ते पढ़ पढ़ करके शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं। जो बाबा ने बोला वो थी असली मुरली, उस मुरली को कागज में छपाई दिया गया, उसमें कुछ न कुछ अल्टरनेशन करेक्शन किया गया, वो ही पढ़ पढ़ करके शास्त्रों की अथॉरिटी कहे जाते हैं। उनको ज्ञान की अथॉरिटी नहीं कहा जा सकता। वो लोग समझ लेते हैं कि वो ज्ञान की अथॉरिटी है, वो भी गाते हैं पतित पावन आओ, गंगा स्नान करने के लिए भी जाते हैं, फिर गस्से मारते रहते हैं कि पाप आत्माएं स्नान करके नदियों के पानी को पतित बनाई देती हैं और हम उन नदियों में पांव डालते हैं तो नदियां पावन बन जाती हैं। ये बाहर की दुनिया की बात है, ये अंदर के ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। अंदर ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे सेवो हम कह के बैठे हुए हैं जो अपने डायरेक्शन पर चलाने लग पड़ते हैं नदियों को। समझते हम पतित पावन है, भगवान बाप तो आकर के वाणी चला करके चला गया, अब तुम हमारे डायरेक्शन पर चलो, हमारी बुद्धि के अनुसार चलो, जैसे हम बताएं वही ज्ञान की अथॉरिटी अपन को समझ लेते हैं। इसलिए अव्यक्तवाणी में बाप दादा ने बोला था पांडवों को गार्ड बन करके रहना है शक्तियों का, शक्तियों का गाइड नहीं बनना है। अगर पांडव शक्तियों के गाइड बनेंगे तो यज्ञ में गड़बड़ पड़ जाएगी। वो गड़बड़ आज पड़ी हुई है। तो वो सन्यासी कहते हैं, वो शास्त्रवादी से वो हम कहने वाले कहते हैं कि हम चरण डाल करके गंगा को पावन बनाए देते हैं। कौन से चरण? बुद्ध रूपी पांव। हम अपनी बुद्ध रूपी पांव से जो दखलंदाजी करते हैं उससे वो पावन बन जाती है। कितना झूठ बोलते हैं, उनकी बुद्धि के अनुसार चलने से तो और ही पतित बनेंगे या पावन बनेंगे। जैसे सारी दुनिया पतित है, पतितों के संग से पतित ही बनते हैं, नियम तो सबके लिए एक ही है। अब इन सबको सजा कौन देवे? जो नदियों के सामने पावन बन करके बैठ जाते हैं, शिवो हम कर कह के बैठ जाते हैं, नदियों के किनारे जाकर के बैठते हैं, पूजा करवाते रहते हैं, इनको कौन सजा देवे? सजा तो देनी पड़े, उन्होंने तो गृहस्थी मार्ग छोड़ दिया है। छोड़ दिया है मैंने? उनकी गृहस्थी नहीं है क्या? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में जो सन्यासी है उनकी गृहस्थी नहीं है क्या? वो तो कहते हैं हमारा बाप आया हुआ है, हम मां बाप के बच्चे हैं, हैं? कहते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में मां बाप तो नहीं है। मां बाप कहना अलग बात है और प्रैक्टिकल में माता पिता होना और उनकी प्रैक्टिकल मत पर चलना वो एक अलग बात हो जाती है।
भक्ति मार्ग को उन्होंने तो छोड़ दिया, वो भक्ति भी नहीं करते सन्यासी लोग। सन्यासियों को भक्ति मार्ग में आना ही नहीं चाहिए, भक्ति मार्ग के कर्म कांड करना ही नहीं चाहिए, वो तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले। उनको शास्त्र आदि पढ़ने का भी हक नहीं है, उन्हें शास्त्रों से क्या लेने देना, उन्होंने तो दुनिया छोड़ दी। उन्हों की तो पहले जंगल में परवरिश होती थी, जब सतो प्रधान थे तब बिना मांगे सब कुछ उनको मिल जाता था जंगल में बैठे बैठे ही, क्योंकि प्योरिटी की पावर थी। कौन से सन्यासियों की बात हो रही है, है? हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासियों की बात हो रही है, जब माउंट आबू में 51-52 में बैठे हुए थे तो एकांत जंगल में रह करके तपस्या कर रहे थे, वहां ही उनको सब कुछ मिल जाता था। अभी तो शहरों में घुस पड़े हैं क्योंकि तमो प्रधान बन गए हैं, और अभी बड़े बड़े महल बनाते रहते हैं। क्या प्रूफ दिया, पहले सतो प्रधान थे तो जंगल में एकांत में रहते थे, और अभी अभी तमो प्रधान बन गए हैं तो शहरों में घुस करके पब्लिक से पैसे मांग मांग करके बड़े बड़े कंक्रीट के महल माड़ियां बनाते रहते हैं। आगे तो स्त्रियों से घृणा करते थे, अब तो माइयां उनको गुरु बनाए उनके चरण धो करके पीती है। किसकी बात बताई, उनकी बात बताई जो ब्राह्मणों की दुनिया में शक्तियों को इस समय कंट्रोल कर रहे। पुरुषों की बात बताई या स्त्रियों की बात बताई, जरूर कोई पुरुष वर्ग में से है जो न समझने वाली माताएं हैं, वो उन पुरुष गुरुओं की पूजा करती रहती है, चरण धो करके पीती है। कितना अंधेर है, बाप कहते हैं अब उन्हों को सजा देने का टाइम आ गया, मैं अच्छी रीति सजा दूंगा। क्या सजा देंगे, बबूल के डंडे चलाएंगे क्या? बेहद का बाप है तो बेहद की सजा देता है, भक्ति मार्ग में तो समझ लिया है बाण चलाए, बाणों से घायल किया, कोई लोहे के बाण होंगे नहीं, यहाँ तो ज्ञान के डंडे हैं, ज्ञान के बाण है। मुरली वही है, वही मुरली जब ब्रह्मा के मुख से बोली जा रही थी बहुत मीठी तान लगती थी, और वही मुरली जो तमो प्रधान हो गए, तमो प्रधान सांढे बन गए, देह अभिमान की मिट्टी में मिल गए, तो संक्षेत्र में वही मुरली ऐसा रूप धारण करती है कि उनको नगाड़े के समान तीखी आवाज वाली लगती है, गड़गड़ाहट वाली लगती है। वो राम के बाण लगते हैं, कहते हैं ना ये तो ऐसे बोलता है जैसे बाण मारता हो, इसकी वाणी तो ऐसे है जैसे घायल कर देती है। तो किनको घायल करती है और किनको मीठी लगती है, जो बच्चे आत्माभिमानी बने उनको मीठी लगती है। इसलिए मुरली में बोला था आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। तो सन 76 के बाद जिन बच्चों ने डायरेक्ट बाप से सीखना शुरू किया
उनको वही मुरली मीठी लग रही है, मुरली अनुभव होती है। और जो देहाभिमानी सांढे बन गए उनको वो तीखे तीखे बाण अनुभव हो रहे। बाप कहते हैं मैं उनको अच्छी रीति सजा दूंगा। एक तरफ परमात्मा नाम रूप से न्यारा कहते हैं, फिर खुद को इसे वो हम कह के बैठ जाते। जब नाम रूप से न्यारा है तो अपन को भगवान समझ करके क्यों बैठ गए? उन्हों का तो नाम रूप सब होता है, किन्हों का? परमात्मा बाप का। फिर भी कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारा होगा तो गीता ज्ञान कैसे सुनावेगा? पतितों को पावन कैसे बनावेगा? जो पावन देवताएं थे वो कलयुग के अंत में आते आते पतित कैसे बन गए? संघ के रंग में आने से पतित बन गए, अनेकों के संघ के रंग में आकर के दुनिया पतित बनी। तो एक सुप्रीम सोल बाप जो अभोक्ता है, अकर्ता है, सदा शिव है, वो जब इस सृष्टि पर साकार में आता है तो उसके संग के रंग से सारी दुनिया पतित से पावन बनती है। एक के तारे सब तर जाते हैं, अनेकों से दुनिया का पतन हुआ है। अभी देखो कितना अंधेर है। बाप बैठ समझाते हैं, ऐसे भी नहीं कहते हैं कि भक्ति करो, ज्ञान की बातें समझाते हैं। भक्ति करने के लिए नहीं बोलते, और जो भक्ति करते हैं उनको ना भी नहीं कहते। क्यों? जो भक्ति कर रहा है, जिसकी भक्ति में श्रद्धा है, अगर उसको भक्ति करने के लिए ना करेंगे तो न वो ज्ञान उठाएगा और न उसकी भक्ति पूरी होगी। इसलिए भक्ति करने के लिए किसी को कहना भी नहीं है, और जो भक्ति कर रहे हैं उनको ना भी इनकार भी नहीं करना है। बाप बैठ समझाते हैं कि किसी में भक्ति भी न हो और ज्ञान भी न हो तो बेचारे दोनों जहान से चले जाएंगे। भक्ति मार्ग से भी गए और ज्ञान मार्ग से भी गए, नास्तिक बन जाएंगे। तुम कहते हो जो बाप को नहीं जानते वो नास्तिक है। वो लोग कहते ये तो भक्ति नहीं करते इसलिए नास्तिक है। भक्ति में तो अंधश्रद्धा सिखाई जाती है। बाप आकर के अंधश्रद्धा नहीं सिखाते। बाप तो कहते हैं तुम भक्ति के कर्मकांड भल मत करो, करने की दरकार नहीं है, सिर्फ मैं जैसे चलाना चाहता हूं वैसे चलो। ज्ञान की बातों को सुनो, दूसरों को सुनाओ, खुद आचरण करो और दूसरों को आचरण कराओ। जो बाप को नहीं जानते हैं, बाप की रचना को नहीं जानते हैं, वो नास्तिक है। मित्र संबंधी बिरादरी वाले सब कहेंगे ये तो नास्तिक बन गए हैं, क्योंकि भक्ति के कर्म कांड आदि नहीं करते, न ये शास्त्रों को मानते हैं, न ये किसी गुरु को मानते हैं, ऐसे ऐसे कहते रहते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि वास्तव में सृष्टि का सदगति दाता कौन है। इस सारी सृष्टि की सदगति करने वाला सिर्फ एक है, वो एक निराकार जरूर कहा जाता है,
इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई नाम रूप काल आदि नहीं है, वो जरूर इस सृष्टि पर आता है और जहां से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है वो धरणी बहुत प्रसिद्ध है। उत्तर भारत में भगवान की जन्मभूमि मानी जाती है, वो यादगार बनी हुई है। ऐसे नहीं कि मथुरा में जन्म लिया, सिर्फ यादगार कायम है। ऐसे नहीं है अयोध्या में जन्म लिया, ये तो यादगारें बनाई हुई। ईश्वर जो सभी आत्माओं का बाप है वो कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता। स्थूल गर्भ से अगर जन्म लेता हो तो उसकी यादगार कायम रहे, ये तो द्वापर युग से ही बना बैठ करके बनाए हैं। अयोध्या धाम, मथुरा धाम, वृंदावन धाम, काशी आदि, ये भगवान के स्थान माने जाते हैं। वाराणसी में जिसे बनारस कहते हैं वो शिवशंकर भोलेनाथ का स्थान मानते हैं। जहां ज्ञान का रस बना उसका नाम रख दिया बनारस, बना बनाया रस मिलता है, कोई बनाने करने की बात नहीं है। भगवान ही आकर के वो ज्ञान रस देते हैं। मथुरा, मथ, मथने को कहते हैं मथ, जैसे दही को बिलोया जाता है तो कहते हैं मथ। ये देहवान को बिलोने की बात है, ये देहवान जब बिलोया जाता है तो मक्खन अलग हो जाता है। बुद्धि जो है वो स्वतः ही चलने लग पड़ती है। ये संग के रंग का रहस्य है। श्रेष्ठ का संग करेंगे तो श्रेष्ठ स्थिति बनेगी, कोई भ्रष्ट मनुष्य आत्मा का संग करेंगे तो भ्रष्ट स्थिति बनेगी। इस सृष्टि पर परमात्मा बाप आकर के ऊंचते ऊंचे पाठ बजाता है। जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से वो हीरो पाठधारी कहा जाता है। अब हीरो पाठधारी के जो संपर्क संसर्ग में आवेंगे, संबंध में आवेंगे, वो तो जरूर ऊंचा आत्मा ठहरी, क्योंकि संग का रंग लगता है। संग तारे कुसंग बूरे कहा जाता है। जैसे अन्न दोष काम करता है ऐसे ही संग दोष भी काम करता है। तो बाप कहते हैं मैं तुमको पावन बनाता हूं, सारी दुनिया के संग के रंग से तुम पतित बनते हो, इसलिए मैं आकर के कहता हूं सिर्फ मेरे को याद करो और कोई के साथ बुद्धि का योग न लगाओ। उनको तो ये पता नहीं है कि बाप ही आकर के पति से पावन बनाते हैं। दुनिया में तो उल्टा ही धंधा लगा पड़ा है। कलयुग अंत में बाप भी बच्ची को पतित बनाए देते हैं, गुरु भी अपने चेलों को पतित बनाते हैं, टीचर नहीं बनाते, वो तो पढ़ाते हैं। ये बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारा टीचर हूं, मैं तो तुमको पढ़ाई पढ़ाता हूं, समझाता हूं,
कौन सी पढ़ाई पढ़ाता है, कौन सी बात का टीचर है, जो गीता सुनाई, जो ब्रह्मा के मुख से गीत गाया, उस गीता अर्थात उस कविता का ही अर्थ बैठ करके मैं तुमको समझाता हूं। टीचर का काम होता है जो भी टेक्स्ट बुक होती है उस टेक्स्ट बुक को समझाना, क्लैरिफिकेशन देना, हिज्जे हिज्जे करके समझाना, तो वो टीचर का कार्य मैं करता हूं। मैं तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं और अंत में सदगुरु भी बनता हूं, सदगति करता हूं। काहे की सदगति पहले होती है, शरीर की सदगति पहले होती है या मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति होती है? पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा निर्मल बनती है, इसके लिए चाहिए ईश्वर का ज्ञान। ज्ञान को जल कहा जाता है, जैसे स्थूल जल से स्थूल कपड़े धोए जाते हैं, मैल माटी साफ कर देता है, ऐसे ये ज्ञान जल है आत्मा के लिए। ये शुद्ध ज्ञान जल चाहिए, इसमें मनुष्य मत की मिक्सरिटी नहीं होनी चाहिए। मुरलियां हैं, भगवान के मुख से बजाई गई मुरली है, अगर उसमें किसी प्रकार की मिक्सरिटी हो गई, उसमें कुछ मनमत मिक्स कर दी या वाणी की कटिंग कर दी, तो वो मुरली घातक भी हो सकती है, उल्टा असर दिखाई सकती है, क्योंकि मिक्सरिटी हो गई। जैसे दूध का भरा हुआ घड़ा है और उसमें दो चार बूंद सर्प का विष डाल दिया जाए तो सारा ही क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। तो बाप भी कहते हैं एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से सुनेंगे तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। जब ज्ञान ही व्यभिचारी हो जाएगा तो सुनने वाले भी व्यभिचारी बनेंगे। अनेक मत से बनता है रावण राज्य, इसलिए रावण को 10 सिर दिखाते हैं, और एक मत से बनता है राम राज्य, इसलिए राम को एक सर दिखाते हैं। अनेक मनुष्य गुरुओं की मत से दुर्गति, और एक सदगुरु निराकार की स्टेज में रहने वाले सदगुरु से सदगति। इसलिए घर घर में ये स्लोगन टंगा हुआ होना चाहिए, क्या श्रीमत से सदगति और मनुष्य मत से दुर्गति। तो बताया ये बाप कहते हैं मैं टीचर हूं, तुमको पढ़ाने के लिए आता हूं, ऐसे नहीं हम पर कृपा कर दो। स्कूल में कोई टीचर से कहता है, कोई बच्चे कहते हैं ये टीचर हम पर कृपा कर दो? कृपा की बात ही नहीं, जो जितनी पढ़ाई ध्यान से पढ़ेगा महत्व तो देगा तो अच्छे नंबरों से पास होगा। मैं तो टीचर हूं, तुम मेरे से कृपा आदि क्या मांगते रहते हो? कृपा आदि की सिस्टम तो गुरुओं से पड़ी है, कृपा दृष्टि दे दो। बाप कहते हैं तुम बच्चे जितनी सेवा करते हो ईश्वरीय सेवा से तुमको खुशी का मेवा स्वतः ही मिलता है, क्योंकि बाप सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं। जो डिससर्विस करने वाले बच्चे हैं उनको याद नहीं करते। तो तुम जितनी ईश्वरीय सेवा करोगे उतना तुम्हारे ऊपर स्वतः ही कृपा दृष्टि बरसती रहेगी। ये स्थूल आंखों की कृपा दृष्टि की बात नहीं है, स्थूल आंखों से देखी हुई चीज सिर्फ याद आती है, ऐसे नहीं कि कृपा दृष्टि बरस जाती है। ऐसे तो बाप सबको ही देखते रहते हैं, तो देखने मात्र से क्या सदगति हो जाएगी? नहीं, जो ज्ञान की बातों को समझ करके अपने जीवन में धारण करके दूसरों को धारण कराते हैं उससे सदगति हो सकती है।
दूसरों की सेवा करेंगे तो सेवा का मेवा खुशी मिलेगी। संगमयुग में खुशी बहुत बड़ा वरदान है। इस संगमयुग की शूटिंग के पीरियड में जो जितना खुश रहता है वो जन्म जन्मांतर का सुख भोगेगा, और भगवान बाप के आने पर भी जो दुखी रहता है संगमयुग में दुख का अनुभव करता है वो जन्म जन्मांतर दुखी परेशानी का अनुभव करेगा। 21 जन्म का तो वर्षा मिलता ही मिलता है, उसमें कोई तराप नहीं होती, लेकिन जब द्वापर युग आता है दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आते हैं अपनी अपनी मत देने लग पड़ते हैं तो उनके प्रभाव में आने से मनुष्य आत्मा दुखी होने लग पड़ती है। तो अभी शूटिंग हो रही है, चाहे जन्म जन्मांतर का सुख का भंडार बढ़ा लो और चाहे दुख का भंडार बढ़ा लो, तीन धाम हैं, सुख धाम, शांति धाम और दुख धाम। कोई आत्माएं जन्म जन्मांतर शांति धाम का अनुभव करने वाली बनती है, कोई आत्माएं जन्म जन्मांतर सुख धाम का अनुभव करने वाली बनती है, और कोई आत्माएं ऐसी भी ब्राह्मणों की संगमयुग की दुनिया में है जो दुख धाम का अनुभव करती है, जो दुख धाम का अनुभव करती है वो जरूर उनकी नजरों के सामने कौन रहता होगा। कौन रहता होगा? दुख देने वाले का संग किया होगा ना। जो कमजोर होता है वो दुखी होता है, और जो पावरफुल होता है वो सुखी रहता है। कमजोर कैसे बनता है? कोई भी आत्मा की कमजोरी का कारण क्या होता है? कमजोरी का कारण है अनेकों का संग का रंग। एक को याद करने से पावरफुल बनती है आत्मा। जो एक ऊंचे से ऊंचा है उसे एक ऊंचे से ऊंचे को अगर पहचान लिया तो पावर का पारावार नहीं रहेगा, और अनेकों का संग करने से विचार बढ़ता है। विचार बढ़ने से कमजोरी आती है, और जहां कमजोरी होगी वहां दुख अनुभव होगा। तीन मूर्तियों में से एक मूर्ति की पूजा क्यों नहीं होती? मंदिर क्यों नहीं बनते? कारण कोई होगा ना, क्या कारण है? उनका नाम ही है ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी और मां बड़ी थी, बड़ी मां क्या गलती कर देती है? मां बच्चों के मोह में आकर के बाप का भी तिरस्कार कर देती है, बाप के कंट्रोल से भी बाहर हो जाती है तो मां दुखी होती है। ऐसी दुनिया बनाने के निमित्त बन पड़ती है जहां मां को वर्षा ही नहीं मिलता। ये तो अभी बाप आए हैं तो ईश्वरी गवर्नमेंट में ने भी ये नियम बना दिया है कि माता को भी प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं तो पिछले 2500 वर्ष की ये हिस्ट्री बताती है मां मां बनती है, बच्चे को 9 महीने पेट में पालन करती है, परवरिश करती है, बच्चा बड़ा हो जाता है उसका सहन करती रहती है, मां बाप के कंट्रोल में रहती है तब भी सहन करती है, पति के कंट्रोल में रहती है तब भी सहन करती है, और पति खुदा न खास्ता चला जावे, शरीर छोड़ देवे
तो बच्चों के कंट्रोल में रह करके दुखी होती है। एक जन्म में स्त्री बन करके माता बनना पड़ता है और एक जन्म में पुरुष बन के पिता बनना होता है। एक ही आत्मा स्त्री भी बनती है, एक ही आत्मा पुरुष भी बनती है। कोई आत्मा ऐसा पुरुषार्थ करती है कि ज्यादा जन्मों में पुरुष चोला धारण करती है, और कोई आत्मा ऐसा पुरुषार्थ करती है कमजोर कि ज्यादा जन्मों में स्त्री चोला धारण करती है। क्योंकि मुरली में बोला है एक जन्म स्त्री एक जन्म पुरुष का तो मिलता है, ये तो 21 जन्म चलता है, वहां कोई बैलेंस बिगड़ता नहीं पाप पुण्य का, लेकिन बाकी जो 63 जन्म है उनमें बैलेंस बिगड़ जाता है। बैलेंस बिगड़ने के कारण कोई कोई आत्मा दो जन्म पुरुष के भी ले सकती है और दो जन्म लगातार स्त्री के भी ले सकती है। तो ये हिसाब बन जाता है। इसलिए रोना रोने की बात नहीं है कि मैंने स्त्री चोला क्यों लिया, बल्कि बाप तो कहते हैं स्त्री चोला लिया तो बहुत अच्छे, क्योंकि बाप की छत्र छाया विशेष किसको मिली हुई है, कन्याओं माताओं को विशेष छत्र छाया मिली हुई है। कन्याओं माताओं को सरेंडर किया जाता है, भाइयों को सरेंडर नहीं किया जाता, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी पार्शलिटी है, पक्षपात है। भगवान भी आकर के पक्षपात करता है, पक्षपात नहीं है। ये दुनिया ऐसी बन गई है जहाँ कन्याओं माताओं को शरण कोई दे नहीं पाता है, ऐसी जिससे उनकी सुरक्षा हो पाए। बाप ही आकर के उनको सुरक्षा देते हैं, और कन्याओं माताओं को ही आज की पति दुनिया में सुरक्षा की जरूरत है, पुरुषों को सुरक्षा की क्या जरूरत। इसलिए शास्त्रों में बैल पाल कन्हैया गाया हुआ है या गौपाल गाया हुआ है, गौपाल कन्हैया गाया हुआ है। क्यों गाया हुआ है कि गऊ उसको कहा जाता है जो गऊ स्वभाव का हो। स्वभाव संस्कार ही भारत की कन्याओं माताओं का ऐसा है, उनको सारा जीवन जिस खूंटे से बांध दिया जाता है, सारा जीवन उस खूंटे से चुपचाप बंद करके अपना जीवन बिताती है। ये भारत की कन्याओं माताओं की कथा है, इसलिए कथाओं में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि धरणी माता पर जब पाप का बोझा बहुत बढ़ गया तो उस धरणी माता की सुरक्षा करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। भगवान भगवान का रूप धारण करके आता है, कन्याओं माताओं की सुरक्षा करता है। इसलिए संगम युग में, खास करके वर्तमान संगम युग में स्त्री चोला लेना ये तो भाग्य की बात है। चाहे वो माताएं बांधे ली हो, चाहे वो माताएं निर्बंधन हो, और चाहे वो कन्या हो। कन्या है तो और ही अच्छा, पवित्र होती है, निर्बंधन होती है। माताओं को तो बंधन में बंधना पक्का हो गया, क्योंकि शादी की है, जिसके साथ शादी का कंगन बांधा है उसके अंडर में चलना पड़े। लेकिन बाप कहते हैं कोई बात नहीं, मन को तो कोई नहीं बांध सकता, और मनसा सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। मनसा के द्वारा ही सृष्टि परिवर्तन होगी। तन से भागदौड़ की जाती है, वाचा से भाषण किया जाता है। अभी तक ब्राह्मणों की दुनिया में कितनी भागदौड़ हुई, कितनी भाषणबाजी हुई, भारत का और दुनिया का परिवर्तन कितना हुआ। इसलिए बोला कि मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। क्या जब हर तरीके से थक जावेंगे, तन से भी थकान हो जाएगी, वाचा से भी थकान हो जाएगी, तो एक मन ही आसरा रह जाता है। और मन जब एक को पकड़ लेता है,
एक की पावर को पहचान लेता है तो उस याद में मस्त हो जाता है, और वो याद हमें बिचारी याद होनी चाहिए जो कमाल करके दिखावेगी। जो बहुत दुखी होता है वो बहुत याद करता है, कहते भी है दुख में सुमिरन सब करें सुख में करें ना कोई। जो पावरफुल होता है उसको किसी का आधार लेने की दरकार नहीं, और जो कलयुग के अंत में आकर के अबला कहा जाता है, कन्याएं माता ही अबला कही जाती है, तो उनको भगवान आकर के शेल्टर देता है, शरण देता है, गोवर्धन पहाड़ गाया हुए है, शास्त्रों में जो भी नाम है काम के आधार पर है, गौ माना कन्याएं माता है, उन्होंने तो जानवर गऊओं को समझ लिया है कि भगवान ने आकर के जानवर गऊओं को चराया नहीं, ये भारत की कन्याएं माताएं ही गऊ के मुआफिक है, उन कन्याओं माताओं को इकट्ठा करके एक पहाड़ जैसा बना लिया, पापों का पहाड़ उनके सर पर चढ़ा हुआ है, जन्म जन्मांतर की दुखी माताएं कन्याएं उनको आकर के भगवान संगठित करता है, और जब वो संगठित हो जाती है तब वो शिव शक्तियां कही जाती है। शिव शक्तियों की मन की आवाज सारी दुनिया को परिवर्तन करती है, सारी दुनिया को ही नहीं, ये जो प्रकृति के पांच तत्व हैं जो ज्ञान नहीं सुन सकते, उन पांच तत्वों की बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता है, वो भी परिवर्तित हो जाते हैं। जो ज्ञान सुनता है वो तो ज्ञान से परिवर्तित हो सकता है, लेकिन जो जड़तमुही बुद्धि वाले हैं, प्रकृति का पोषण करने वाले हैं, वो कैसे परिवर्तित होंगे? उनके परिवर्तन के लिए मनसा की पावर चाहिए, वाइब्रेशन चाहिए, वो वाइब्रेशन कन्या माताएं संगठित होकर के दे सकती है। पुरुष तो अपने चोले से तंग है, उनको तो टाइटल दे दिया पुरुष सारे ही दुर्योधन दुशासन, एकांत पाए करके अपनी करनी से चूकते नहीं है। कन्याएं माताएं चाहें तो स्वर्ग की गेट खोल सकती है, सुखधाम का गेट खोल सकती है, और खोलेंगी, इसलिए माता गुरु गाया जाता है। मुरली में भी बोला है माता गुरु बिगड़े उद्धार हो न सके, सबसे बड़ी माता है प्रकृति माता, पुरुष और प्रकृति का ही सारा खेल है। जो पुरुषों में परम पुरुष है और प्रकृति के पांच तत्वों में जो संघातमयी महाजननी है, कोई कलयुग के अंत में आकर के पल्यूट हो जाती है, जिसका नाम रखा गया है ज्ञान में गीता, गीता माता पूरी खंडित की हुई है, उसको दूसरे शब्दों में कहा गया है रावण की जेल में है। तो राम का घर कैसे बनेगा? सीता कहो, गीता माता कहो, बात तो एक ही है, वही रावण की जेल में है। तो अयोध्या में वो राम जन्मभूमि में राम का मंदिर बनाना चाहते हैं,
मंदिर कहो घर कहो, घर घर की धरित्री बनाएगी। ये आज की तम प्रधान दुनिया के मनुष्य बनाएंगे। घर बनाने वाला कौन होता है, बिगाड़ने वाला कौन होता है? घर की धरणी के लिए कहते हैं घर की धरणी अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और घर की धरणी अगर बिगड़ी हुई हो तो घर नरक बन जाए। ये सारी सृष्टि हमारा कुटुंब है, कुटुंब नरक भी बनता है। जब वो महाकाली का रूप धारण करती है तो खून खराबा ही खून खराबा सारी सृष्टि पर हो जाता है। जितने भी आसुरी संस्कार हैं वो सब मिट जाते हैं, श्रेष्ठ आत्माएं बची रहती हैं। उनको कहा जाता है सूर्यवंशी, पावन आत्माएं, जो नई सृष्टि में नया जन्म लेकर के विश्व का संचालन करती। अभी वो दुनिया आने वाली है। बाप कहते हैं अभी इस अंतिम जन्म में ऐसा पुरुषार्थ करना है जिससे कोई ऐसा संग का रंग न लगे जो हम फिर से पीछे की ओर चले जाए, हम उल्टी सीढ़ी चढ़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। कलयुग से सतयुग में जाना है तो हमारे वाइब्रेशन ऊंचे उठने चाहिए। घड़ी घड़ी मन को चेक करना है, दृष्टि को चेक करना है कि हमारी दृष्टि और वृत्ति पतित बन रही है या पावन बन रही है। हमारे स्वप्न सात्विक स्वप्न है या तामसी बन रहे हैं। ऐसे तो स्वप्न आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि समय की वैल्यू का अगर पता है तो 4-5 घंटे की सॉलिड नींद होनी चाहिए, स्वप्न होना ही नहीं चाहिए। व्यर्थ संकल्प आते हैं तो व्यर्थ स्वप्न भी आते हैं। समर्थ संकल्प आवेंगे तो स्वप्न भी अच्छे अच्छे आवेंगे, और निराकारी स्टेज बनेगी तो निर्विकारी आत्मा निरहंकारीपने का अनुभव भी करेगी और दूसरों को भी कराएगी, फिर स्वप्न आना बंद हो जाएगा। ओम शक्ति।